बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज 25 अक्टूबर है 2023, शाम के 7:15 बज चुके हैं। 10 रबिलसानी, 9 कतर, 149 पॉइंट्स मार्केट पॉजिटिव। मार्केट में आज काफ़ी अनाउंसमेंट थी, अच्छे अच्छे डिविडेंड सुनने में आए। हपार ने भी अच्छा डिविडेंड दे दिया, एमसीबी ने भी अच्छा डिविडेंड दे दिया, मगर जो ज़बरदस्त बात थी वो मेरी पेशेंट गोई थी फौजी फर्टिलाइजर की। मैंने कुछ दिन पहले फौजी फर्टिलाइजर की पेशेंट गोई की थी कि फौजी फर्टिलाइजर 3.5 से 4.5 रुपए का डिविडेंड देगा। तो मेरी ये पेशेंट गोई के बारे में बात करते हैं, मैं उससे पहले आज इसकी कारकर्दगी देख लेते हैं। आज ये जनाब 102.41 रुपये बंद हुआ और हाई लगा 106.95 रुपये। जैसे ही इसकी डिविडेंड की खबर आई, धड़ाम से नीचे ये गिर गया। तो यही एक चीज़ होती है कि देखिए, वो एकदम से जो है ना, इसने 3.98 रुपये का डिविडेंड दे दिया, यानी 4 रुपये का। और वो आपको ये हम शेयर कर रहे हैं कि वो इसमें पहले 3.39.80 दिया, फिर इन्होंने अभी इसको जो है ना 3.98 रुपये का दिया। उससे पहले भी ये ना इन्होंने 7.41 रुपये का पहले भी दे चुके। बहरहाल ये मेरी एक और पेशेंट गोई करेक्ट हुई है। मैंने पहले कहा था 3.5 और 4.5 रुपए के दरमियान, तो जनाब इन्होंने नियरली 4 रुपए का डिविडेंड दे दिया। अच्छा डिविडेंड है, मगर ये देखिए कि इसके मुकाबले ईफर्ट को देख लीजिए, इसके मुकाबले में उसको देख लीजिए, क्या कहते हैं हपार को देख लें, ये बड़े ज़बरदस्त डिविडेंड दे रहे हैं। बहरहाल मेरी एक और पेशेंट गोई सही साबित हुई। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक आपको दे रहे हैं, प्लीज़ उसको भी शेयर कर दीजिएगा। जल्द मुलाकात होती है। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबी।